आपको बर्गर बताने आई हूँ। आइए देखिए इसमें क्या क्या पड़ेगा। ये बर्गर है, पनीर है और आलू बॉईल करके कद्दूकस कर ली हूँ, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ता और हरी मिर्च, चाट मसाला और कॉर्न आटा, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, केचप, ऑरेगानो और ये टमाटर है, इसे मैं रिंग रिंग जैसा काट ली हूँ और ये प्याज है, ये चीज है और ये थोड़ी सी अंकुरन मूंग है। अब पनीर को मैं स्लाइड में काट ली हूँ और इसे मैं मैरिनेट करूंगी। थोड़ी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर्ण पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी रिफाइंड ऑयल डाल के इसे सेक लेंगे। इस तरह करने से बर्गर में इसकी स्वाद बहुत अच्छी आती है। तेल गरम हो चुकी है, इसमें हम पनीर को थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। आइए जब तक पनीर सिकती है तब तक हम टिक्की को तैयार करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, कॉर्न आटा बड़ी चम्मच से तीन चम्मच और गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी है, अब हम गोल गोल टिक्की का पेड़ा बना लेंगे। इस पनीर को हम पलट लेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हम सेक लेंगे। ये हो चुकी है, पनीर सिक चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। अब ये टिक्की तैयार हो चुकी है, अब हम गैस ऑन करके तवा बिठा लिए हैं और इसमें रिफाइंड डाल देंगे। कॉर्न आटा को टिक्की में लगा के इसे हम सेकने के लिए रख देंगे। अब इसे हम सावधानी से पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, टिक्की बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो रही है, इसे हम अभी और लाल करेंगे, कुरकुरी टिक्की। टिक्की लाल हो चुकी है, इसे हम हल्का हल्का दबा लेंगे ताकि अंदर तक कुरकुरी टिक्की हो जाए। अब कुरकुरी टिक्की रेडी है, गैस को ऑफ कर देंगे और टिक्की निकाल लेंगे। सबसे पहले हम केचप लगाएंगे, टमाटर, प्याज, चाट मसाला, पनीर, टिक्की और चीज, अंकुरन मूंग और ऑरेगानो और इसमें इमली की चटनी लगा के। इमली की चटनी मैं पिछले रेसिपी में डाल चुकी हूँ, तैयार कर लेंगे। इसी तरह करके चारों बर्गर को तैयार कर लेंगे। इस तरह करके सारे बर्गर को तैयार कर लेंगे और हम तवा बैठा देंगे, गैस ऑन कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी बटर डाल देंगे, हम बर्गर को सेक लेंगे। मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि जो चीज है वो मेल्ट हो जाए। अब ये बर्गर रेडी हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे और आइए दोस्तों गर्मा गर्म बर्गर हम प्लेटिंग करेंगे।
अब ये बर्गर रेडी है। थोड़ी सी, वैसे तो मैं सॉस इसमें डाली हूँ, लेकिन थोड़ी सी केचप और डाल देंगे, और अगर आपको मन हो तो ऑरिगेनो थोड़ी सी डाल दें और चाट मसाला। मोना किचन रेसिपी से बर्गर तैयार है, तो प्लीज आप मोना किचन रेसिपी से बर्गर जरूर बनाएं, और मेरे चैनल को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।